अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्विटर पर अकाउंट किस तरह से बनाएं और उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो सब्सक्राइब करें ई फॉर यू एक्टिविटीज। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से ट्विटर ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से जो है उसका आइकॉन आएगा, उसे टच करना है। टच करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज आएगा, तो आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं या क्रिएट अकाउंट। तो हम क्रिएट अकाउंट के जरिए करेंगे। उसे हमने टच किया, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम और फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो सबसे पहले ऊपर आप अपना नाम टाइप कर दीजिए। नाम टाइप करने के बाद फिर आपका मोबाइल नंबर और उसके नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है इस तरह से आएगा, इसको टिक करना है, ब्लू टिक, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ आपका नाम, नंबर और डेट ऑफ बर्थ आएगा और इस तरह का मैसेज आएगा वेरिफिकेशन कोड के लिए, आपको इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा मैसेज के ज़रिए, उसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसे नेक्स्ट कर देना है। जब आप इसे नेक्स्ट करोगे तो अब यहाँ पर आपको वो पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो आप अपने ट्विटर अकाउंट के लिए जो है 8 डिजिट वाला कोई भी जो आपको याद रहता है ऐसा पासवर्ड बनाइए। और पासवर्ड बनाने के बाद जो है इस पर ग्रीन टिक आ गया, मतलब पासवर्ड अप्रूव हो गया। फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर रख सकते हैं। तो वहाँ टच करने के बाद आप गैलरी में जाएंगे, गैलरी में से आपको जो प्रोफाइल पिक्चर रखना है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप उसको बराबर सेट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ सेव हो जाएगी, इसे नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा बायो, आपके इन्फॉर्मेशन, आपके डेजिग्नेशन वगैरह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालना है वो आप यहाँ पर 1-2 लाइन के अंदर आप अपने बारे में बता सकते हो। उसे टाइप करने के बाद उसे नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपका नाम जो है, यूज़र आईडी जो नेम आएगा वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन देता है, आप इसे एडिट करके आप अपने हिसाब से भी यहाँ कर सकते हैं और इसे नेक्स्ट कर देना है। और फिर नॉट नाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरह का एक पेज आएगा कि आप कौन कौन सी चीज़ों के बारे में ट्वीट देखना चाहते हो। तो इसमें से आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमने एजुकेशन किया, आप दूसरे भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद उसे नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको मिनिमम किसी एक को फॉलो करना है अकाउंट स्टार्ट करने के लिए। तो कोई भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें से आप जिसे चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। अब इन सारी लिस्ट में सबसे अच्छा आदमी यहाँ पर सोनू सूद है, मैंने इसे फॉलो किया। अब इसे फॉलो करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इस तरह से ये ट्विटर का पेज आपके सामने ओपन होगा। हमने सोनू सूद को फॉलो किया था इसलिए अभी सिर्फ उसकी ही पोस्ट बताएगा। आप जैसे जैसे दूसरे लोगों को फॉलो करेंगे, किस तरह से फॉलो करेंगे वो भी हम आगे प्रोसेस देखेंगे। तो उन तमाम लोगों के ट्वीट्स आपके सामने आपके वॉल पर आ जाया करेंगे। अब ट्वीट कैसे करेंगे, यहाँ प्लस के निशान पर टच कीजिए। कोई फ़ोटो अगर आपको सिलेक्ट करना है तो फ़ोटो, नहीं तो डायरेक्ट ट्वीट करना है तो ट्वीट पर आप टच कर सकते हो। तो हम फोटो के साथ आपको बता देते हैं। हमने गैलरी ओपन किया, एक फ़ोटो सिलेक्ट किए, जो फ़ोटो आपको ट्विटर पर डालना है। यहाँ पर आप कमेंट लिखिए, इसके साथ में आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अब आपको किस किस को बताना चाहते हो तो @ के ज़रिए आप उनका नाम सर्च कीजिए। जैसे @ मैंने नरेंद्र मोदी सर्च किया, नरेंद्र मोदी को सेंड किया, उसके साथ में राहुल गांधी को सेंड किया, उसके साथ में आपको जिसको सेंड करना है आप @ के ज़रिए उन तमाम लोगों को सेंड कर सकते हो। आपको #, अगर इसमें लगाना है तो आप #, का बटन टाइप कीजिए और उस #, के साथ बिना स्पेस के आपको जो #, में शामिल होना है। जैसे अल्लाह अकबर अभी ट्रेंड कर रहा है तो मैंने यहाँ अल्लाह डाला, तो नीचे आपको खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा कि अल्लाह के नाम से कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे अल्लाह अकबर इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये मैं उस #, में शामिल हो गया। तो इस तरह #, आपको लेना है और ट्वीट कर देना है। तो ये आपका पहला ट्वीट यहाँ पर हो गया। तो जब आप इसे व्यू करोगे तो इस तरह से वो आपका ट्वीट यहाँ पर नज़र आएगा। ये देखिए मेरा ट्वीट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो मैंने लिखा, किस किस को मैंने टैग किया और #,
में मैंने क्या डाला, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। आप प्लस के निशान से डायरेक्ट ट्वीट भी कर सकते हो बिना फोटो के। हाँ, ये जो सर्च का निशान नजर आ रहा है, आप इसको टच करोगे तो ऊपर यहाँ ट्रेडिंग जो लिखा हुआ है आप यहाँ टच कीजिए, यहाँ से आपको अभी क्या ट्रेंड चल रहा है वो नजर आएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट टच करके उस ट्रेंड में शामिल हो सकते हैं। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ कमेंट डालिए और ट्वीट कर दीजिए, आप ट्रेंड में शामिल हो जाओगे। अब उसके बाद ऊपर सर्च में आप अपने फ्रेंड जिसको भी आपको फॉलो करना है यहाँ उनका नाम सर्च कीजिए, कोई एक्टर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, जिसे भी आपको फॉलो करना है आप ऊपर उनका नाम सर्च कीजिए। एक ख्याल रखिए कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस वगैरह है, इनके नाम के आगे ब्लू टिक होता है। जिनके नाम के आगे ब्लू टिक होता है समझिए वो अप्रूव्ड है, वरना बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी होते हैं। आम लोग जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह है, उनके नाम के आगे आपको भले ही ये ब्लू टिक नज़र नहीं आएगा, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप ब्लू टिक देखकर ही उनको फॉलो करें। मुझे भी ट्विटर पर फॉलो करें, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अपने तमाम दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पर शामिल होकर जो है अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाएँ। तो वीडियो पसंद आने पर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब फॉर यू एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए।